मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा फालतू में मेरा बात के यार वो तुम्हें शर्म नहीं आ रही शादी शुदा मेरी बहन के बारे में कुछ तो सोच लेते लेकर जाओ मेरी बहन मारो मत उसे यार मारो मत भैया उसे मत मारो आने कैमरा आने कैमरा कैमरा ऑन है। सो हेलो व्हाट्सएप गाइज कैसे आप सब मैं हूँ तज कुमार वीडियो के साथ। तो गाइज आज हम लोग यहाँ वीडियो शूट करना है क्योंकि सारी कहानी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ ठीक है। ये भाई है बहुत ही परेशान है एक्चुअली इसकी बहन की शादी हुई जिस लड़के से वो लड़का इसकी बहन को धोखा दे रहा है ठीक है। तो हम मैं आपको कहानी सारी कहानी बताता हूँ पहले हम लोग जहाँ पे आए हुए कहाँ है वो लड़का कहाँ पे ये बता पहले। यहीं पर ये अभी भी मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही है यहाँ पर। गाइज वो लड़का अपने मतलब जॉब के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने आता है और वो इधर ही आता है ठीक है। मतलब वो हमें दिख रहा है ठीक है। तुम कैमरा अच्छे से रखना फोकस करना तुम भाई उसको पकड़ो लाइव पकड़ो ठीक है। ये माइक अपने पास पहले लगा लो अच्छे से ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं उसको उससे बात करने ठीक है और देखते हैं क्या होता है पहले फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है जो भी बात है आपको बताऊंगा ठीक है क्या। मतलब एक बार पहले कैमरा दिखा दूँगा यहाँ पर आके पार्क कर रहा है और ये शादी शुदा है तेरी हिम्मत कैसे बहन के साथ लगाने की भैया। अबे कौन है ये? कौन है तुझे नहीं पता कौन है मेरी बहन के साथ पता क्या क्या कर रहा है उसे इधर आ इधर आ इधर आ। शादी शुदा हो गया गर्लफ्रेंड बना रहा है हाथ मत लगा तू रुक जा एक मिनट इधर आ साइड में भाई कौन हो मेरी बहन मेरी बहन की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है तू दूर से बात करो। हेलो 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 टच कैसे कर रहे हो टच कैसे कर रहा हूँ तुझे पता है तुम्हें क्या है ये क्या कर रहा है तुम्हारे साथ कुछ भी करे ये मैं कौन है यार तुम प्यार क्या करना है प्यार करते हो इसको पता नहीं है तभी तो बोल रही है ज्यादा शादीशुदा है ये शादीशुदा है वो मेरी बहन के साथ मुझे पता है शादीशुदा उसको डिवोर्स देने वाला है ये जल्दी। अरे पागल तू डिवोर्स कैसे दे देगा भाई कैसे दे देगा डिवोर्स भाई मेरी बहन के मजाक है क्या शादी कैसे करी थी भाई इसने फिर मेरी बहन की शक्ल देखी तुमने भैया ऐसा मत बोलो यार ऐसा मत बोलो इधर आओ तो हाथ मत लगाना दोबारा बता रही हूँ भाई इसको बोलो बचा रहे हो ना भाई मेरा क्यों जेल जाएगा वो उसको डिवोर्स मेरी बहन की जिंदगी नहीं है क्या भाई ऐसा नहीं है यार भैया समझो क्या समझो हाँ तो क्या कर सकते समझ में आ रही है मेरी बहन का रोते रोते पता कितना बुरा हाल हो गया इससे दूर रहो ठीक है। हेलो दूर कैसे रहूं भाई मेरी बहन की जिंदगी नहीं है देखे नहीं जाएंगे ये जेल में जाएगा अगर इसने अगर बात नहीं मानी मेरी कैसे डिवोर्स दे देगा हाथ हटा के तो बात कर लो हाथ हटा के बात कर लो ना आराम से हल्का होकर ही बात कर लो भाई तुम कौन हो इसके बताओ मैं कौन हूं देखो आप हाथ उठा सकते हैं ऐसे हाथ में तो हाथ नहीं ये जेल भी जाएगा अगर इन्हें मेरी बात नहीं मानी तू चुप रह तू ना दूर हो जा ओए धक्का मत दे धक्का दे रहा है मैं बहुत जब तेरी बहन खुश नहीं रख पा रही उसे तो क्या है खुश नहीं रख भाई मेरी बहन के बारे में बिल्कुल मत बात कर ले जब दिख रहा है अगला बंदा प्यार करता है मुझसे क्या हेलो हेलो कर रहे हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसको नहीं समझा रहे वो पता है कौन है इसकी बहन जिसकी शादी हुई है ठीक है तो क्या शादी पता है बोल रहा है उसके शादी से पहले आपको भाई ये जो भी है तू बता तू क्या कर रहा है किसको लेके आ रहा है तू शादी से पहले तुझे करना था ना ये सब चीज भाई तो शादी क्यों करी भाई मैं इससे प्यार करता अभी प्यार कर प्यार कर रहा शादी क्यों देखो दूर से बात कर सकता है भाई मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा फालतू में मेरा बात के यार वो क्या ड्रामा है अपनी तेरी खुद की बहन तो ऐसे खुश रख नहीं पा रही है फालतू मत बोल ठीक है ना मेरे से दूर रह के बात कर ले तू तो मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद करी गर्लफ्रेंड बनाना था तुझे तुम इसकी बहन को डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो डिवोर्स कैसे दे देगा वो इधर से दूर डिवोर्स कैसे दे देगा भाई तू भाई दोनों बहन भाई चुंबक की तरह चिपक गए तू दूर हो जा उससे ठीक है ना वो शादीशुदा है मैं पहले बता रहा हूँ वो डिवोर्स दे देगा वो मुझसे प्यार करता है ठीक है डिवोर्स कैसे दे देगा शादी हुई है ठीक है ना ऐसी नहीं हुई शादी वादी दूर हो जा प्यार से बात कर लेंगे तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो बता दो मेरी बहन का क्या कसूर है यार मेरी बहन का क्या कसूर है भाई यार प्लीज तुम मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूं ले जा मनुष कहीं की जबरदस्ती शादी चुप हो जा दे देना तुम बेबी वो नहीं देगा डिवोर्स क्यों भैया को लेकर जाओ मेरी बहन मारो मत उसे यार मारो मत भैया उसे मत मारो यार प्लीज यार बात कर लो प्यार क्या बात कर रहे हो मेरी बहन का रोते रोते बुरा हाल हो गया तेरी बहन मर जाए ना कहीं जाके क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है मर क्यों नहीं जाती वो समझ आ रही क्या बोल रही हो समझ आ रही है आप ऐसे हाथ समझ आ रही क्या बोल रही हो ऐसे हाथ मत लगाओ उसे पहले बता रहा हूँ मैं नहीं तो ना हाथ क्या करेगा छोड़ो उसे हाथ मार क्यों रहे हो क्या करेगा छोड़ो उसे
सोचा नहीं मेरी बहन के बारे में कर लूंगा। अच्छा मैटर तुम जाओ का नहीं है ना, अब मैटर मेरे पास आ गया। क्या हाल होगा ना तुम लोग पता चलेगा, ठीक है? इसको से क्या भैया भैया कर, दो थप्पड़ मार के सीधा कर दो। तुमसे नहीं हो रहा तब मैं लगाऊं? पैसे कैसे लगाऊं थप्पड़? तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हें तो सर मार नहीं रही है, तुमसे प्यार नहीं करते। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। हाँ तो क्या हो गया, प्यार करती हूँ मैं इनसे और ये मुझसे करते शादी क्यों करते? इसकी बहन की शक्ल देखिए, इससे प्यार भी नहीं करता है। हाँ करता है वो मुझसे, क्यों करता है वो? इसकी मजबूरी थी, इनके घर वालों क्या मजबूरी पल्ले बांध दिए, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, ठीक है ना? तुम भैया घर का पीछा कर लेंगे, तुम चुप हो जाओ, इसका चुप हो रहा है, कहीं और ब्याह देना अपनी बहन को। तुम क्यों ब्याह दूं हैं, उसकी जिंदगी नहीं है क्या भाई? तू यार घर पे चलो रवि भैया प्लीज यार, मैं कोई शादी नहीं कर रहा हूं। अच्छा नहीं करा है बता दो, हम घर पे बात कर लेंगे यार। क्या घर पे बात करूंगा बताओ? घर पे कर लेंगे बात, मेरी बात समझो भैया, ऐसे ले जाओ, आराम से बात करो, जाओ ना, नहीं करूंगा बात, कर लेंगे फैमिली मैटर है तेरा। फैमिली मैटर? हां घर पे बात कर लेंगे। हां भाई, अरे तुम डर के क्यों बात कर रहे हो? ओए न जाने गुंडा उंडा है, हमारे आपस की बात है, ठीक है मैडम? आप जो कर रहे हो ना, क्या कर रही हूँ मैं? कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, जरूर इसने इनको भड़काया होगा, इसने भड़काया होगा जरूर। प्यार करते हो ये पार्क में, सब कर रहे हो बाहर आके, तो क्या हो गया? गर्मी है, वो भी मुझसे प्यार करता, शादी करने वाले हम जल्द, शादी नहीं मुझे डिवोर्स दे देगा, नहीं देगा वो, इसने जरूर कुछ चक्कर चलाया होगा उसको। अरे ऐसा यार क्या जबरदस्ती, घर पे कह रहा हूँ मैं बात कर लूंगा, फैमिली वाली मैटर है, तुम डिवोर्स दोगे? हाँ देंगे, वो डिवोर्स भी बोलते क्यों नहीं हो? तुम चुप हो जाओगे, उससे पूछ रहे हैं? हाँ तुम बोलो, मत समझ में आई उनके घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी, और जब वो डिवोर्स दे रहे हैं तो ये लोग जबरदस्ती चेप रहे हैं उसको। जबरदस्ती नहीं चोप रहे, चेप रहे, मजाक चल रहा है। तुम जबरदस्ती आई उसकी लाइफ में, वो शादीशुदा है। आप ऐसे हाथ नहीं उठा सकते, कौन सा गुंडे को लेकर के आ गया? गुंडे नहीं है, तुम ये अच्छा कर रहे हो, बाहर में गर्लफ्रेंड बना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? शादीशुदा मेरी बहन के बारे में कुछ तो सोच लेते, क्या कर दिया ऐसा, क्या जादू कर दिया इसने ऐसा तुम पर, क्या मजबूरी है? जादू तो तुम लोगों ने किया यार, यार इसे लेके जाओ यार, कौन से गुंडे को बुला लिया लड़ाई करवाने के लिए? उस मुसीबत को तुम इसके बल्ले क्यों बांध रहे हो भाई? समझाओ मेरी बहन, डिवोर्स दे देगा? डिवोर्स नहीं देगा, वो मेरी बहन है, उसकी जिंदगी नहीं है क्या? दूसरी शादी क्या जरूरत है भाई? इसे समझाओ ना, मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ भाई, घर पे बात कर लेंगे। आया बड़ा ये रोना धोना मचा रहा है, दोनों चिपक चिमक की तरह चिपक के रह गए, नहीं रहेगा तो तुम्हारी बहन इसके ऊपर, समझ में आ गई? कैसा बोझ, शादी हुई है, पूरे सब कुछ रीति रिवाज से, पूरी रीति रिवाज से शादी हुई है। चलो चुपचाप, कहाँ जा रहे हो? जबरदस्ती की शादी, छोड़ दो, इधर आ जाओ, बात कर लो मुझसे, ठीक है ना? कोई बात नहीं करेगा वो, घर पे बात कर, क्या घर पे बात होंगी, घर पे क्या बात हो जाएंगी? क्यों बात करनी है मुझे तुम्हारे भाई उसके सामने ही बोलो, पीछे क्या बोलोगे, यहीं पर बोलो ना बात कि उसको छोड़ना है। एक मिनट शादी का इंसान सर नहीं आ रही है, मेरा प्यार है वो हा? शादी करने वाली मैं उससे, शादी करने वाली? हाँ शादी करने वाली, डिवोर्स मिलेगा तेरी बहन को बहुत जल्द, समझ में आई? नहीं मिल पाएगा, ऐसे कैसे डिवोर्स मिल जाएगा, ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी, दिलवा दोगी? तुम्हें पता नहीं है ना इसके बारे में कुछ भी? पता नहीं है ना इसके बारे में कुछ? क्या कुछ, मुझे सब पता है, प्यार करता है वो मुझसे, शादी करने वाली मैं उससे, और तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। भाई मैं बात कर लूंगा घर से, फैमिली मैटर है भैया। अरे यार तुम डर क्यों रहे हो, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कि डिवोर्स दूंगा? घर पे बात करो, घर पे क्या बात करोगे तुम, घर पे क्या बात करोगे? तुमने मुझसे बोला है ना कि उसकी बहन को घर पे बात, चुप हो जाओ तुम, मेरा मुंह बंद मत करवाओ, तुम उसको बोलो कि डिवोर्स दोगे तुम उसकी बहन को? मैं दूंगा, मैं दूंगा अभी घर पर, डिवोर्स दोगे तो मेरी बहन को? डिवोर्स दोगे? हां दूंगा। कैसे दे दोगे तुम्हारी, भाई देख रहे हो उसको, कह रहा हूं भाई दोनों के बात कर लो, बात कर लो, डिवोर्स देगा ठीक है? कैसे दे दोगे डिवोर्स? ऐसे रीति रिवाज से शादी हुई है, पूरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, मेरी बहन का वहां पर रोते रोते पूरा हाल हो गया, पता है मुझसे प्यार करता है, उसने मजबूरी में शादी करी, कोई प्यार बहन नहीं है माँ के लिए, समझ में नहीं करी है, जबरदस्ती उसका पीछा पड़ी हुई है, जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ी, तेरी बहन बन के बोझ बैठी हुई है उसके। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ रहेगा वो, या फिर तुम्हारे साथ रहना चाहता है, ठीक है सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है? हाँ तुम पहले दफा हो जाओ, तुम अभी गर्लफ्रेंड हो ना, गर्लफ्रेंड तक रहो, हद में रहो अपने, ठीक है भाई? वो मैं छोड़ने जा रहा हूँ उसको, कोई छोड़ने नहीं जाएगा, तो अभी यहाँ से घर चलेगा, जाएगा हमारे साथ जाएगा, तो नहीं जाएगा वो घर हमारे साथ जाएगा, अभी नहीं जाएगा वो घर, तुम घर जाओगे मुझे छोड़ कर जाओगे इन लोगों के साथ, चुड़ैल के पास जाओगे तुम घर? पागल हो गया, मैं साथ में, वो कह रहे ना कुछ ऐसा मैटर नहीं है, तुम डिवोर्स कब दोगे ये बताओ? मैं दे दूंगा डिवोर्स, तुम टेंशन, कोई डिवोर्स नहीं देगा वो,
अगले हफ्ते ही कर लेंगे, पहले इनसे बात भाई क्या बोल रहा है। देखो शादी करने की करेंगे, शादी तो क्या हो गया, करेंगे हम नहीं करेगा वो शादी, तुम जाओ यहाँ से, मुझे उससे बात करनी है, इसको लेके जाओ। समझ में आ गई? सुनो हेलो, निकलो यहाँ। क्यों निकलूं मैं? साथ में जा रहा है, लेके हाँ, लेके जाऊंगी। निकल, उसके बाद अब दिखाता हूँ मैं कि ये क्या करेगा, ठीक है? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते तुम, समझ में आ गई? मैं घर पे बात कर लूंगा उससे, बहुत कुछ कहीं के? भाई इसको जाने मत दो, सही बता रहा हूँ ये, उसे जाने दो, वो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है? उसे मैं बुलाता हूँ, ठीक है? उसको मैं भाई उसको गले जाने दिया, उसने पता नहीं क्या उसके ऊपर कर रखा है, पता नहीं। मेरी बहन वहाँ पर बहुत परेशान है, और फुल्ली है वो, उसे जबरदस्ती रखी हुई है, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, रेडियो है मेरे पास, तुम अपनी बहन को बुलाओ कल परसों, ठीक है? मैं बात करता हूँ और उसको बुला के बात करता हूँ कि वो क्या चाहता है, ठीक है? इस मैटर को क्लियर करने से फ़ायदा, ऐसे ज़बरदस्ती करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो अपनी बहन को बुलाओ और चलो फिर बात करते हैं, ठीक है? उसे बुलाता हूँ, ठीक है भाई? मैं बुला लूँगा, ठीक है? चलो बुलाते हैं।